चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरें, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सीबीआई के जरिए ट्रेन हादसे की सच्चाई को दबाना चाहती है सरकार, ममता बनर्जी ने केंद्र पर उठाए सवाल। 15 जून तक चार्जशीट, महीने के अंत तक WFI चुनाव, पहलवानों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर बनी बात। पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त पाने के लिए मोबाइल ऐप से घर से करें EKYC, अब नहीं काटने होंगे जन सेवा केंद्र के चक्कर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में बस सांड दर्शन ही फ्री, कार्यवाहक DGP पर किया हमला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा, 20 लोग हिरासत में, इंटरनेट किया गया बंद। दिल्ली में आज बूंदाबांदी के आसार, यूपी बिहार में चलेगी लू, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर होगा चलान, पहली बार 50,000, दूसरी बार में 10,000 लगेगा जुर्माना। हम जय सियाराम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं, कांग्रेस दिग्विजय सिंह ने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ पर किया हमला, सीता जी का अपमान क्यों करते हैं ये लोग। राजस्थान में ईडी जांच की आज से बौखलाई कांग्रेस, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। अब किसानों को धान बेचने पर मिलेंगे प्रति क्विंटल 2633 रुपए, धान की सबसे अधिक कीमत छत्तीसगढ़ में। रेसलर्स 15 जून तक नहीं करेंगे प्रदर्शन, बजरंग पूनिया बोले वापस होंगे खिलाड़ियों के केस। बोरवेल में गिरी सृष्टि को बचाने CM शिवराज ने बुलाई आर्मी, 100 फुट गहराई में फंसी है बच्ची। हरियाणा में किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त, 12 जून को पिपली अनाज मंडी में होगी महारैली। यूक्रेन में बांध टूटने से हाहाकार, पानी में समा गए 30 गांव, 42,000 लोगों की जान आफत में। MSP लागू नहीं हुआ तो पूरे देश में करेंगे धरना प्रदर्शन, किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। जबरदस्ती इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी, IRDAI के पूर्व चेयरमैन ने जताई नाराजगी। फसल खराब होने पर बिहार सरकार किसानों को देगी 10,000 रुपए की आर्थिक मदद, फटाफट उठाएं लाभ। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तस्वीर पर संग्राम, संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप।